हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेट अप एंड लर्न। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें लेंस के इमेज फॉर्मेशन को फॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। और बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस के बारे में, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके बाद बात करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में, उसके बाद मैग्नीफिकेशन, और लास्ट में बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस दो टाइप्स के होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, जो कि इस तरह का होता है, कॉनकेव। क्लियर? अब जब भी हम लेंस की बात करते हैं और जब भी हम मिरर की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेस कैसे होते हैं, स्फेरिकल पार्ट होते हैं। इस वजह से इसमें दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। और जो सेंटर पार्ट होता है लेंस का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आगे बात करते हैं वो तीन पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप लेंस के रे डायग्राम को ड्रॉ करें। तो पहला पॉइंट क्या है, जब भी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, लेकिन अदर एंड ऑफ द लेंस। ये इम्पोर्टेंट बात है। वहीं कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये क्या होती है, अपीयर टू डाइवर्ज। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो क्या होती है, लाइट रे क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ओके, तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर टू ड्रॉ द रे डाइग्राम फॉर द लेंस, बोथ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। वॉट इज द सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट सेज दैट जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जब भी एक लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वहीं कॉन्केव लेंस की बात करें तो ऐसी कोई लाइट रे जो कहीं से आती है तो आफ्टर इम्पैक्ट ऑन कॉन्केव लेंस ये क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्लियर? दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट बोलता है जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, वो सीधा चली जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इट गो स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। क्लियर? इट गो विदाउट डेविएशन। जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाती है। आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज। तो हमने पिछले वीडियोस में मिरर्स फॉर्मेशन के वीडियोस हमने देखा था कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमको तीन से चार चीज़ हमको याद रखनी पड़ती हैं। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज फॉर्मेशन, कहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है, या फिर बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा साइज, इमेज का साइज़ क्या है, चौथा उसका नेचर।
और पांचवा उसका रे डायग्राम। तो आपको स्क्रीन पर रे डायग्राम दिख रहा होगा, बाकी सब हम वन बाई वन करके नोट डाउन कर लेंगे। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ 6 इमेज फॉर्म होती हैं। 6 पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, इन्फिनिटी से आएंगे, इन्फिनिटी से टू बर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म हो रही है और कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है और उसका नेचर क्या है। तो पहले केस की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पर लेते हैं, एट इन्फिनिटी पर, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट इन्फिनिटी पर। तो जब इन्फिनिटी पर है तो इससे कुछ लाइट रेस इंसिडेंट होंगी लेंस पर, विच इज विल द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, जब भी कोई लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से। तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज एट फोकस। अब इमेज का साइज क्या है, साइज विल बी हाईली डिमिनिश रहेगा, या फिर हम इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। और इसका नेचर क्या रहेगा, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हम कोई एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं लाइट रेज को, तो इमेज क्या फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था जब भी रियल की बात करते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल की बात करते हैं तो ऑलवेज इरेक्ट आता है। तो ये था पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं, 2f बोल सकते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। क्लियर, हमने बात की थी कि जब हम लेंस की बात करते हैं तो उसके पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और 2 फोकस होते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट बोथ साइड होते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज एट, और वी कैन से बिटवीन f2 एंड 2f2। क्लियर, आपको इस रे डायग्राम में दिख रहा होगा ये जो ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस इंसिडेंट होती हैं लेंस पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट्स एट अ पॉइंट बिटवीन 2f एंड 2f2। तो इमेज का साइज कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगी, तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश्ड साइज है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको हैंडराइटिंग की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वरीड ना रहिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, इजी नोट्स होंगे, जाइए और उनको डाउनलोड करिए और उनको पढ़िए। आगे बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस रखेंगे, ओके। जब हम एट फोकस रखेंगे, जब 2f1 पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने क्या देखा, लाइट रेस इंसिडेंट होती हैं लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, कहाँ पर, 2f2 पर, जो भी क्या है, एक फोकस है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं, तो हम लोग इमेज देख सकते हैं क्या कैसी हो रही है, सेम साइज़ की फॉर्म हो रही है बट रियल और इन्वर्टेड है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एट 2f1 पर रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज एट 2f2 पर इमेज फॉर्म होता है। इमेज का साइज़ कैसा है, सेम साइज़, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, दिस वॉज द थर्ड केस। नाउ वी विल गो हैड एंड टॉक अबाउट द फोर केस, वेयर वी विल पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है,
इमेज फॉर्म होगा हमारा 2f2 के बियॉन्ड। तो इमेज का साइज़ आपको दिख रहा होगा ऐसा कि रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट के साइज़ से काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग लिख सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में लिया तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इमेज हमारी फॉर्म हुई है बियॉन्ड 2f2। ये 2f2 है या फिर इसको c2 भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड इमेज फॉर्म हुई है। इमेज का साइज़ कैसा है, एनलार्ज है या इसको हम मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप इट विल क्लियर टू यू विद दीज डायग्राम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ केस वेयर वी विल पुट द ऑब्जेक्ट एट f1। पांचवे केस की बात करें तो हमने ऑब्जेक्ट को f1 पर पुट किया है। जब f1 पर पुट करेंगे तो इसे कुछ लाइट रेस निकलेंगी जो कि लेंस पर जाके गिरेंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल नॉट मीट। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेस कहीं पर मीट नहीं होंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो होगा इन्फिनिटी पर। ओके, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को एट f1 पर लिया तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। साइज़ कैसा होगा, साइज़ होगा एनलार्ज या फिर अब मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं सिक्स्थ केस की। सिक्स्थ केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आपको ये क्लियर हो गया होगा जब हमने f1 पर ऑब्जेक्ट रखा तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इमेज हमारी इन्फिनिटी पर फॉर्म हुई। ओके, साइज़ कैसा था, एनलार्ज मैग्नीफाइड। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया था, f1। आगे बात करते हैं सिक्स केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करेंगे। जब ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में प्लेस करेंगे तो हमारा इमेज को लाइट रेज को एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इसलिए हम इनको एक्सपेंड करेंगे और हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के साइड ही फॉर्म होगी। तो जिसको हम बोल सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था तो जो हमारा इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड 2f1 या फिर c1, मतलब जहाँ जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उस तरफ ही इमेज फॉर्म हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, इमेज एट बियॉन्ड 2f1 के बियॉन्ड इमेज फॉर्म हुआ है। उसका साइज़ कैसा है, एनलार्ज है या फिर मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। नेचर क्या रहेगा, नेचर अब इसका रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जो इसकी एक्चुअल रेस थी आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, हमने क्या किया इन लाइट रेस को एक्सपेंड करके बनाया है। तो जब भी लाइट रेस को एक्सपेंड करके बनाते हैं तो उन इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे कुछ 6 केस इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के। आगे बात करते हैं 2 केस और जो कि कॉनकेव लेंस के हैं। कॉनकेव लेंस के हम 2 केस पढ़ेंगे, इसमें 2 ही केस हैं। तो ये 2 केस क्या है, पहला केस ये है जब हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पर लेंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो फोकस पर फॉर्म होगा, लेकिन कहाँ, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज फॉर्म होगा, कहाँ पर, एट फोकस पर। तो इसका साइज जो कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिज्ड या फिर पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं ओके। और इसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हम लाइट रेस को एक्सपेंड करके बना रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं,
ये लाइट रेज आपको दिख रही होंगी, इनको हमने एक्सपेंड करके बनाया है, तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरे केस की बात करें तो हम इसमें इस केस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस के पास लाएंगे, तो इस केस में जब फोकस के पास लाएंगे, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2F2 और F1 के बीच में, जब इससे लाइट रेस इंसिडेंट होंगी इस लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस डाइवर्ज हो जाएंगे, तो डाइवर्ज हो जाएंगे तो ये कहीं पर मीट नहीं करेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसको नोट कर लेते, जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2F2 एंड F1 के बीच में लिया, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म हुआ, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज फॉर्म हुआ है। तो इसका साइज़ कैसा रहेगा, आपको साइज़ दिख रहा होगा, साइज आप देख सकते हैं कैसा है, इसका साइज़ है डिमनिज्ड, कुछ ना कुछ साइज है। और इसका नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन के सारे केस क्लियर हो गए होंगे, आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में और मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लेंस फॉर्मूला की बात करें तो लेंस फॉर्मूला आपका जो मिरर फॉर्मूला है उसके सिमिलर होता है, बस आपका जो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है उसकी जगह माइनस आ जाता है। सिंपली दिस इज़ सिमिलर लाइक मिरर फॉर्मूला, बस आपकी प्लस की जगह माइनस आ जाता है। बाकी एफ फोकल लेंथ होता है, वी इमेज डिस्टेंस होता है, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो हम पिछले कवर कर चुके हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखनी है, जो आपका कॉन्केव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस की बात करें तो मैग्नीफिकेशन को ऑफ लेंस, जिसको हम लेटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, लेटरल मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एस से। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहीं इसको एक और रेशियो से जानते हैं, जिसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से। तो ये आपका सिंपली मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, जो आपको पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्लस साइन आता है, वहीं जब मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन फॉर्म हो जाता है। नेगेटिव साइन कब फॉर्म होता है, जब मिरर की बात करते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जब मिरर की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन वो नेगेटिव हो जाता है वी अपॉन यू, लेकिन जब लेंस की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है वी अपॉन यू। वहाँ पर वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्नीफिकेशन क्लियर होगा। अब आखिरी में लास्ट में बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस होता है द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। लेंस की जो एबिलिटी होती है किसी भी लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ
रेज कर लेते हैं, इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट करते हैं, वहीं आपको पता है फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पावर ऑफ लेंस का। तो जो यहाँ पर जो फोकल लेंथ लेते हैं हम, उसको हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, किस में लेते हैं, सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर्स में लेंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब मीटर्स में लेंगे तो सिमिलरली ऐसे रहेगा। तो जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हो चुका है। आई होप एवरीथिंग विल क्लियर टू यू। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसे मोर कंटेंट की। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।